मध्य प्रदेश के सिस्टम को मानो किसी की नजर लग गई है। किसी न किसी वजह से बनते बिगड़ते हालात प्रदेश की सरकार के साथ यहाँ की जनता को भी परेशान कर रहे हैं। हाल ही में बाढ़ आपदा से उभरे प्रदेश पर अब अलग तरह की समस्या मंडराने लगी है और वो है पटवारियों के साथ ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल की। प्रदेश के सिस्टम को किस तरह इन हड़तालों ने प्रभावित कर रखा है, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल पांचवें दिन भी जारी। मंत्री के बयान से नाराज हुए, पे ग्रेड का भरोसा लेकर माने। हड़ताल वापस लेने का भरोसा देकर फिर हड़ताल पर गए। पटवारियों की लामबंदी से खराब फसलों का सर्वे कार्य रुका। उधर प्रदेश में ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल ने बढ़ाई परेशानी। पुराने ट्रकों पर रोड टैक्स और डीजल के दाम बढ़ने से नाराज। तीसरे दिन की हड़ताल में ही करोड़ों का कारोबार प्रभावित। डीजल पेट्रोल का संकट गहराया, कई वस्तुओं पर महंगाई की मार। मध्य प्रदेश का ये बिगड़ता सिस्टम प्रदेश के सियासी टकराव का कारण भी बन गया है, जिसमें सत्ता पक्ष बैक फुट पर तो विपक्ष फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है। अपरिपक्वता की भरमार है सरकार में। सरकार के मंत्रियों के पास कोई अनुभव नहीं है, अपरिपक्व है। और 8-9 महीने में मुख्यमंत्री जी ने या कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यदि मंत्रियों को कुछ सिखाया तो केवल और केवल भ्रष्टाचार करना सिखाया है। ये सब केवल भ्रष्टाचार के बारे में विचार कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में किसी वर्ग को संतुष्ट करना, हड़ताल खत्म करना या मध्य प्रदेश में विकास करना, ये इनके एजेंडे में कहीं भी नहीं है। एसोसिएशन का एक पोर्शन है, पूरे लोग नहीं है। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि ये जो अष्टमी, नवमी और दशहरे की छुट्टियाँ हैं, इसमें बहुत से लोग उत्सव मनाने में गए हुए हैं और इसको भी परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत देख रहे हैं, ये भी इसका निराकरण हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो मना लिया गया है उस चीज़ पर उनको ज़्यादा जोर देना चाहिए, पटवारी बंधुओं को भी। बहरहाल चौतरफा संकट के बाद प्रदेश की सरकार की चुनौती कई स्तर पर बढ़ती नजर आ रही है और इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सरकार कैसे निपटेगी इन हालातों से। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज की बात में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है कैसे बनेगी बात। बीते एक सप्ताह से पटवारी हड़ताल पर है। वजह यह है कि जीतू पटवारी जी ने उनके बारे में, यानी जो मंत्री है, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो उनको बुरा लग गया। बाद में फिर मांगे बढ़ती गई, फिर ग्रेट पे की ना ग्रेट पे देने की बात हुई, लिहाजा हड़ताल भी खत्म हो गई। लेकिन शाम होते होते स्थितियां बदल गई, फिर भी वजह वही बने जीतू पटवारी जी, जिन्होंने कुछ फिर ऐसा कह दिया कि जिसमें पटवारी को लगा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी और वही माफी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। स्थितियां ये हो गई कि पटवारी फिर हड़ताल पर चले गए। लेकिन यह हड़ताल का मामला नहीं सुलझा, उससे पहले आज से दूसरी एक नई हड़ताल सामने आ गई और वो है ट्रक वालों की, जिन्होंने लगातार हड़ताल रखने के लिए बात कही है और ये कह दिया कि डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उसके हिसाब से उनकी राशि भी बढ़ाना चाहिए, सरकार उनको रियायत दे, ऐसी तमाम तरह की मांगों को लेकर आज मध्य प्रदेश में हड़ताल पर है ट्रक एसोसिएशन के बैनर तले। तो क्या कहें, क्या सरकार के सामने लगातार नई नई मुसीबतें आ रही है। दूसरी बात यह भी है कि बाढ़ के बाद जो स्थितियां बनी है उसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ जी प्रधानमंत्री से मिले और एक बजट की मांग भी की, लेकिन वो अभी कब मिलेगा, कैसे होगा। पर पटवारी की हड़ताल एक नई मुसीबत बढ़ाती नजर आ रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार के सामने बड़ी दिक्कत है और सवाल यही कि कैसे बनेगी बात। चलिए, आज का हमारा यही मुद्दा है। मेरे साथ स्टूडियो से दो मेहमान जुड़ेंगे। आनंद तरण साहब कांग्रेस से है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सत्यन जी भारतीय जनता पार्टी से, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और मेरे सहयोगी राजेश स्टेट हेड, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं पटवारी संघ के जो अध्यक्ष है उपेन्द्र सिंह, उनके पास चलूंगा, जो मुझे फोन पर मेरे साथ जोड़ रहे हैं। पहले उनसे ही समझ लूं कि आखिर क्या होने वाला। उपेन्द्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और आप सभी को जानकारी दे दूं कि हम सब ने अभी मंत्री जी के साथ ही हूँ मैं, और मंत्री जी के साथ हमारी बात हुई है हमारे प्रतिनिधिमंडल की, और मंत्री जी की समझाइश से और किसान हित में हम सभी लोगों ने अभी अभी अपनी हड़ताल स्थगित करके और काम पे वापस जाने का निर्णय लिया है।
तो क्या बातें हुई है आपकी उपेन्द्र जी, जैसा आप कह रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर भी है आपके माध्यम से सुनने को आ रही है कि आखिरकार हड़ताल खत्म हो रही है, हम उसी हड़ताल पर बात कर रहे थे कैसे बात बनेगी, लेकिन क्या बातें हुई, किन क्या जीतू पटवारी से जो आपका मामला था वो भी शांत हो गया? जी हम लोग साथ में मीटिंग में हैं, काफी सारे पत्रकार बैठे हुए हैं, आपका फोन था इसलिए मैंने उठा लिया, तो मैं सीधा बता रहा हूँ कि हमने एक लाइन में बता रहा हूँ कि सारी बातों से हम संतुष्ट हैं और सारे पटवारी किसान हित में और अपने मंत्री जी की समझाइश के आधार पर, उनके मंत्री जी के निर्णय के आधार पर सारे पटवारी ने निर्णय ले लिया है कि आज और अभी से हम अपने काम पर वापस जा रहे हैं और किसानों के सर्वे के काम में आज ही सारे लोग निकल जाएंगे। चलिए, मतलब आपकी जीतू पटवारी से बात हो गई? जी नहीं, हमारी अपने अपने मंत्री जी से बात हुई, अपने मंत्री जी के पास है, गोविंद सिंह जी के पास आप के आधार पर, अपने मंत्री जी से बात के आधार पर हमने अपनी हड़ताल वापस लेके और किसान हित में काम पे जाने का निर्णय लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पटवारी संघ ने जो हड़ताल लगातार की जा रही थी जैसा हम कह रहे थे उसको लेकर, तो चलिए सरकार की एक मुसीबत तो कम हुई है। और जैसा उपेंद्र बता रहे थे, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि किन मांगों को माना गया है, किन बातों पर बात बनी है, लेकिन गोविंद सिंह जो कि मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री है उनसे उनकी बात हुई है, उनके सामने स्पष्ट कर दिया। बल्कि न्यूज वर्ल्ड पर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर यही है कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि हम अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं और हड़ताल वापस लेने के साथ ही अपने काम पर लौट रहे हैं। तो राहत भरी खबर है, खासकर उन किसानों के लिए जिनका काम आगे बढ़ना है, उन किसानों के लिए जिनको राहत मिलना है। चलिए बात करूंगा पहले राजेश से, फिर चलूंगा मैं आनंद तारण जी से एक अच्छी खबर देने के साथ उनसे भी बात करूंगा। राजेश, ताजा खबर तो यह है, इस वक्त की बड़ी खबर यह है जैसा उपेंद्र बता रहे थे जो पटवारी संघ के अध्यक्ष है कि उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और आज से वो काम पर लौट रहे हैं। तो एक तो राहत मिल गई, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह की चीजें कही जा रही थी उसमें कम से कम अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या बातें हुई, क्या उन्होंने अपनी बात को मान लिया, पर कम से कम राहत भरी है। दूसरी बात, जो पेट्रोल डीजल को लेकर जिस तरह से आज ट्रक एसोसिएशन के लोग हड़ताल पर हैं, जगह जगह ट्रकों की लंबी कतारें लगी है, और क्या इनकी मांगे हैं और क्या लग रहा है आपको, इस पर भी कोई बात बनेगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मनोज जी, एक राहत वाली खबर जिस तरह से सबसे पहले न्यूज वर्ल्ड अपने दर्शकों को बता रहा है, आपने जिस तरह से कहा और उपेंद्र जिस तरह से कह रहे थे कि जो पटवारों की हड़ताल थी वो समाप्त हो गई है, हालांकि कल ही इस पर पटाक्षेप हो रहा था, लेकिन फिर जीतू पटवारी का जिस तरह से एक बार फिर बयान आया और फिर वो बात नहीं बनी, और ये माना जा रहा था क्योंकि आज ये पटवारियों की हड़ताल का मनोज जी पांचवा दिन था, अगर और ये हड़ताल खिंचती तो निश्चित तौर पर किसानों से जुड़े जो मुद्दा है, बाढ़ और बारिश से जो नुकसान हुआ है, सर्वे का काम प्रभावित हो रहा था और राजस्व से तमाम तरह के काम प्रभावित हो रहा था, निश्चित तौर पर अच्छी खबर। दूसरी तरफ जिस तरह से ट्रक एसोसिएशन या ट्रांसपोर्टर जिस तरह से हड़ताल पर है मनोज जी, तीसरा दिन आज उनकी हड़ताल का है और आज स्थिति इस तरह से बनती दिख रही है कि पेट्रोल डीजल की किल्लत आना शुरू हो गई है मनोज जी, राजधानी भोपाल की हम बात करें या जहां जहां से खबरें आ रही हैं, इंदौर में भी लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल पंप पर लगी हैं और सोशल मीडिया पे भी अब तमाम तरह की चीजें वायरल हो रही हैं मनोज जी, पेट्रोल और डीजल को लेकर की भारी किल्लत है और कई पेट्रोल पंपों ने अपना जो डीजल पेट्रोल देना बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं फल और सब्जियों के, कि तकरीबन 80 से 100 रुपए फल और सब्जियों के, खासतौर पर सब्जियों के दाम मनोज जी पहुंच रहे हैं, ऐसे में आज मुख्यमंत्री कमलनाथ अधिकारियों के साथ बैठक आज कर रहे हैं और इसी पर फोकस उनकी बैठक है। एक तो पटवारियों का मुद्दा था जो जिस पर लगभग लगभग पटाचे अब हो चुका है, क्या कुछ शर्तें, क्या कुछ मांग पूरी की गई है अलग बात है, अलहदा बात है, लेकिन खुद जब उपेंद्र ने जिस तरह से कहा है कि हड़ताल स्थगित कर दी गई है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट स्तर की जो हड़ताल है मनोज जी, सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि तमाम चीजें प्रभावित हो रही हैं। अभी तक ये माना जा रहा है कि आज तक तकरीबन 100 करोड़ का जो काम था वो प्रभावित हो चुका है, सरिया नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ लोहा नहीं आ रहा, सीमेंट नहीं आ रहा, निर्माण काम ठप पड़े हुए हैं, फल और सब्जी की यही स्थिति है, तो इन चीजों में महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में आम जनता के सामने जरूर समस्या है, लेकिन मनोज जी जिस तरह से पूरा मध्य प्रदेश में भी स्थिति परिस्थिति है, काम कितना एक साल में कमलनाथ सरकार में हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह से एक गंभीरता चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी दिख रही है मनोज जी। बिल्कुल, राय साहब बने रहिएगा, हम फिर आपसे एक आध कुछ सवाल जरूर करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर जैसा हम आपको कह रहे थे कि पटवारी संघ ने अपनी वापस ले लिया है, लेकिन जैसा राजेश बता रहे हैं करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि पेट्रोल डीजल को लेकर जिस तरह का सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हो रही,
इंदौर कलेक्टर ने तो उस पर रोक लगाने के लिए धारा 144 भी लगा दी है इस वक्त की, ये भी एक खबर है। और उन्होंने कहा है कि इस तरह यदि कोई सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें करता है जिसका प्रभाव सीधे तौर पर प्रदेश की जनता पर पड़ता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अब ऐसे नंबर, ऐसे सोशल मीडिया पर जो बातें आ रही है वो भी तैयार रहे कि कोई ऐसी चीजें आप वायरल ना करें जिससे प्रदेश की स्थितियां बिगड़े, लोग परेशान हो। आनंद आरण जी क्या कहेंगे, एक तो राहत भरी खबर ये मिल गई आपको कि पटवारी संघ ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, अभी इस वक्त भी वो मंत्री जी के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर है तो इसके कारण महंगाई बढ़ेगी। देखिए मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार जनता के हर स्तर पर काम करने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है कि किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता को जो 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से राहत मिले। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरह की अनियमितताएं हो गई थी, जिस तरह से अलग अलग तरीके से जो लोगों को जनता से मोहभंग हो गया था, उन सब चीज़ों को वापस लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जिन लोगों की आदतें खराब हो गई थी, जिन लोगों को एक अलग टाइप की आदतें लग गई थी, बिगर अपने स्वार्थ के कोई काम नहीं करते थे, निश्चित रूप से उनको लाइन पर पटरी पर लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। निश्चित रूप से मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, न्यूज वर्ल्ड को बधाई देना चाहता हूँ कि पटवारियों की हड़ताल के संबंध में सबसे पहले खबर आपके माध्यम से हम लोग सब सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक न्यूज वर्ल्ड के लिए उपलब्धि भी है और न्यूज वर्ल्ड बधाई का पार्ट है कि इस तरह से सकारात्मक खबरों को आप प्रमुखता के साथ देते हैं, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। दूसरा ये कि हमारी सरकार ये नहीं चाहती कि किसी जनता को, जो जनता के सेवक हैं उनसे कहीं तकलीफ हो, और इसलिए इस तरह के मंत्री जो अगर किसी ने कोई बात बोली है तो निश्चित रूप से उनका कर्तव्य है, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, और उनका कर्तव्य है जनता की हर सुख सुविधा को, दुख को उसको समाप्त करें। कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ किस तरह के अनैतिक काम हो रहे हैं, उन अनैतिक कामों का भी पर्दाफाश करें और लाइन को पटरी पर लाएं। निश्चित रूप से अगर पटवारी संघ के लोग नाराज हैं तो उनको भी समझना चाहिए कि उनकी सेवाएं सरकार की सेवाएं, जनता की सेवाएं, और जनता के लिए उनको उस पद पर रखा गया है तो उनको जनता के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करनी चाहिए, उनको जनता के कामों में ईमानदारी से काम करने चाहिए, क्योंकि सरकार उन्हें तनख्वाह देती है और निश्चित रूप से तनख्वाह इसलिए देती है कि जो जनता ने जिस काम के लिए आपको सरकार ने रखा है, आपको पटवारी रखा है, मतलब जनता जमीन से संबंधित मामले हैं, किसानों से संबंधित मामले हैं, उन मामलों को आप ईमानदारी से और समय के पूर्व समापन करें लेकिन, तो एक लेकिन, अच्छा काम होगा। लेकिन आनंद जी लेकिन सवाल ये है कि बार बार आपके मंत्री ऐसा क्यों कुछ बोल जाते हैं जो दिक्कत पैदा कर देता है, सरकार की मुसीबत बढ़ा देता है। देखिए मनोज सैनी जी एक बात बताइए आप कि यदि मुझे जनता ने चुना है और मैं अपने क्षेत्र में जाकर जनता की बात कर रहा हूँ, जनता मुझे अगर शिकायतों का पुलंदा दे रही है तो मेरा कर्तव्य क्या है, आप बताइए। अगर जीतू पटवारी जी की जगह आप होते तो आप क्या करते? निश्चित रूप से हमारी प्रतिबद्धता जनता के लिए, उस जनता के लिए जिसने हमें चुना है, और उन्होंने अपने क्षेत्र में अगर अपने लोगों के लिए, अपने देखिए वोटर तो वो भी हैं, अगर जो जिनके बारे में बात हो रही है वो भी हमारे वोटर हैं, समाज का अंग है, हमारे परिवार के लोग हैं, अगर वो कहीं गलत रास्ते पे चल रहे हैं और अगर मंत्री जी ने कोई बात बोल दी तो निश्चित रूप से उनको उस बात को सकारात्मक लेने चाहिए, उन्हें नकारात्मक की जगह सकारात्मक लेके उसको बात को करने चाहिए कि भाई हमारे कौन लोग हैं, पटवारी संघ है, मैं तो उनसे अनुरोध करता हूँ, आदरणीय उपेंद्र सिंह जी से भी अनुरोध करता हूँ कि आप बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है, आप इस बात को गंभीरता से लें कि मंत्री जी अगली बार इस तरह की कोई बात ना करें, आप अपने लोगों को हिदायत भी दें कि भाई हम हमारी सेवा है, सरकार हमें तनख्वाह, उन्होंने अभी बोल भी दिया कि अब हम जनता के साथ खड़े, जनता की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी हड़ताल वापस लेते हैं। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगा। गौरव चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन पर, मैं फिर सत्यन जी के पास भी चलूंगा। गौरव जी जी नमस्कार। जिस तरह मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि एक तो एक ही बयानों की कई बार बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है, अभी जीतू पटवारी जी ने जो कहा बाद में, उन्होंने हालांकि अपनी सफाई भी प्रस्तुत की, लेकिन वो बयान कुछ इस तरह था कि पटवारी पर यह बात सच है कि भ्रष्टाचारी का आरोप हमेशा लगता रहा है और आप हम सब जानते हैं कैसे काम होता। दूसरी तरफ आज से ट्रक ऑपरेटर्स भी 3 दिन से हड़ताल पर है, लेकिन आज से चीजें दिखाई पड़ने लगी, हड़ताल का असर दिखाई देने लगा, तो कहां गड़बड़ हो रही, क्यों बात नहीं बन पा रही और कैसे बात बनेगी आगे चलकर? देखिए बात हम करें अगर पेट्रोल डीजल की, तो मध्य प्रदेश में डीजल
महाराष्ट्र से 4.5 रुपए महंगा बिक रहा है, गुजरात से 3.5 रुपए महंगा बिक रहा है और उत्तर प्रदेश से 6.5 रुपए लीटर महंगा बिक रहा है। प्रदेश के जो 24 जिले हैं वो सीमावर्ती राज्यों में है और वहां पर डीजल की जो खपत है उन पेट्रोल पंप से 50 से 80% कम बिकता है। यानी मध्य प्रदेश के अंदर के जो डीजल पंप है जो ऑन एवरेज आना चाहिए वहाँ 50 से 80% डाउन डीजल सेल होती है और ऐसे में व्यापारियों को नुकसान होता है। जी। जिस तरीके से सरकार ने हाल ही में टैक्स बढ़ाया है वो 5% बढ़ाया है, आम आदमी के ऊपर भी भार पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर भी भार पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स की भी दूसरी परेशानियां हैं, जो उनके हैवी व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उनके ऊपर जो टैक्सेशन लगाया गया है वो भी बड़ा अनजस्टिफाई है, उसको जस्टिफाई सरकार को करना पड़ेगा। सरकार को रेवेन्यू के साथ साथ आम आदमी की सहूलियत का भी ख्याल रखना होगा, नहीं तो ये समस्याएं हमेशा आती रहेंगी। जी चलिए, बात अगर हम पटवारियों की हड़ताल की करें तो सारे पटवारी ईमानदार नहीं है, सारे पटवारी भ्रष्ट नहीं है। जी। लेकिन पटवारियों की समस्याओं को समझना पड़ेगा। पटवारी जैसे गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षक करता है वैसे पटवारी भी गैर पटवारी का कार्य करता है, सुबह से लेकर रात तक पटवारी लगातार काम में उलझा रहता है। ऐसे में जब जनप्रतिनिधि उन्हें भ्रष्ट कहते हैं और खासकर सरकार में बैठे हुए मंत्री या जनप्रतिनिधि, तो उन्हें अपनी जबान पर लगाम लगाना चाहिए। अगर पटवारी या कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करें, उस पर टिप्पणी करने का अधिकार आपको नहीं है। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके साथ और आपके लिए खबर भी दे दूं कि पटवारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, उन्होंने ये कह दिया कि हम काम पर लौट रहे हैं। जी पेट्रोल डीजल पे भी हड़ताल खत्म हो गई है। जी परेशानियां खड़ी हुई थी वो पेट्रोल डीजल को लेकर के वापस हो गई है। जी चलिए ठीक है, जी जी आप बने रहिएगा मेरे साथ। सतन जी, ये जो स्थितियां मध्य प्रदेश में बन रही, भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि सरकार पर आरोप लगा रही, लेकिन ये सब चीजें तो आपके दौर में भी देखने को मिली और अभी तो सरकार को 9 महीने हुए हैं। होता है कई दफा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, ये बात सच है कि 5% बढ़ना दुखदायी है जनता के लिए भी और ट्रक ऑपरेटर्स के लिए भी। दूसरी तरफ पटवारी को भ्रष्ट आप भी कहा करते थे, कोई मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान मंत्री ने कहा कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखिए अभी जो अब 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए सरकार को, अब भी अगर ये पुराने उसका रोना रोएंगे तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 10 महीने का समय एक बड़ा समय होता है। मैं आपकी बात पे आता हूँ, पेट्रोल अगर जो ट्रांसपोर्टर की जो हड़ताल है, जो पेट्रोल पंप वाले हैं, ये पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर दूसरी बार बैट बढ़ाया, अप्रैल में बढ़ाया था, फिर अभी बढ़ा दिया, 3-4 महीने नहीं हुए फिर बढ़ा दिया। तो आप देखिए 5% तब बढ़ाया था, 5% अब बढ़ाया और कम से कम 8-10 रुपए का बढ़ोतरी हो गई डीजल और पेट्रोल में। और हमारी सरकार ने इसी अक्टूबर पिछले सितंबर के महीने में ही 5 रुपए बढ़ाए, कम किए थे कि आपको याद होगा तो दूसरी बात, इससे बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। अभी आप मंदी लेकिन आपने कम जब किए थे, जब बहुत ज्यादा बढ़ा उसके बाद फिर लगातार मांग हुई थी, फिर आपने नहीं नहीं पूरे देश के अंदर करा था, जहां जहां केंद्र की मोदी सरकार ने किया था और राज्यों में भाजपा की सभी सरकारों ने 2.5 रुपए कम किए थे केंद्र की सरकार ने, और एक पूरे देश के अंदर एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया था। अभी बात ये हो रही है कि ये जो अभी सरकार को सोचना, पहले क्यों नहीं सोचा, आप सोचिए। अभी हमारे विद्वान जो पत्रकार हैं गौरव जी, उन्होंने भी बोला, राजेश जी ने भी बोला कि यही बताया कि सीमावर्ती जो 24 जिले हैं वहां पर कहीं पर 7 रुपए से लेकर के 4-5 रुपए से जो पर लीटर के जो बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो 80% ऐसे जो सीमावर्ती पेट्रोल पंप हैं उनसे कोई डीजल ही नहीं खरीद रहा। पेट्रोल ऑनर्स की हालत तो काटो तो खून नहीं वाली हो गई है और वहां का पूरा जो व्यापारिक सिस्टम है वो चरमरा गया है। और सिमिलरली अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो डीजल और पेट्रोल उत्पाद जो बिक्री होती थी उसमें 25% की कमी आ गई है एक महीने के अंदर अंदर सरकार के। तो सरकार पता नहीं किस तरीके से काम करती है। पता भी है कि हमारे यहाँ इतने 5 राज्यों की सीमा मिलती है, उन राज्यों में वैसे ही पेट्रोल की और डीजल प्राइसेस कम है, तो आपको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। अब ये कितनी बड़ी क्योटिक सिचुएशन, इससे क्या होगा, आपने देखिए ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ रही है, अब ट्रांसपोर्टर्स कहाँ से, अल्टीमेटली जो ग्राहक होगा जो उपभोक्ता होगा उस पर ही बोझ डाला जाएगा। जी तो ये महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आपकी रेत बढ़ जाएगी, सीमेंट बढ़ जाएगी, गिट्टी बढ़ जाएगी, आपने रॉयल्टी में सारे खनिजों पे वैसे ही डबल रॉयल्टी कर दी, आपने जो ट्रक और जो व्हीकल्स होते हैं उन व्हीकल्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन का जो टैक्स है वो आपने डबल कर दिया। तो एक और वहां मोदी सरकार जो है नए नए बूस्टर, इकोनॉमी बूस्टर दे रही है कि इकोनॉमी को कैसे अपन नहीं नहीं हाँ बिल्कुल, हम तो इनके जो व्यापारी और सबके हितों के लिए, कल किसानों के कल्याण के लिए, डॉक्टर्स के कल्याण, जनता के लिए, को आप छोड़ेंगे नहीं।
नहीं नहीं मैं मौके को नहीं छोड़ रहा, ऐसी बात नहीं है। हम तो सर विपक्ष में रचनात्मक अगर अच्छा काम होता है तो स्वागत करते हैं। अभी ये अच्छा काम है, इसका स्वागत किया जाएगा क्या? पूरे देश प्रदेश की शर्मा नहीं चाहिए आपको? हाँ, 10 महीने में कुछ भी अच्छा नहीं लगा, एक आध बार स्वागत कर देते। अरे साहब कितनी बार रचनात्मक विपक्ष में काम कर रहे हैं, ये तो इन्होंने बेंडेटा पॉलिटिक्स कर करके आपने देखा बेंडेटा पोर बना दिया, बदलापोर बना दिया। और मैं विकासवादी राजनीति करो, आपने 50,000 करोड़ की किसान कर्ज माफी की बात की थी, अभी ना वो हो रहा है। अरे चाहते तो आपका 2,20,000 करोड़ का बजट एक बार में आप माफ कर सकते किसानों का। 10 साल भी 10 दिन की बात करते थे, 10 साल में आप किसान कर्ज माफी नहीं कर पा रहे, किसानों की क्या स्थिति हो रही? और ये पटवारियों के साथ में मुझे ऐसा लगता है मनोज भाई कि पटवारी जी और पटवारी जी दोनों मंत्री पटवारी साहब जीतू पटवारी जी और दोनों मिले हुए हैं और ऐसे और आपस में खेल रहे हैं ताकि मतलब ये आप बोल रहे हैं कि पटवारी से पटवारी मिले हुए हैं। तभी वो भी कह रहे थे पटवारी जी देखिए मेरे नाम के आगे पटवारी लगा है, वो दोनों एक दूसरे के युगो, वो पटवारी जी युगो हट करते हैं। मैं ये कहता हूँ लेकिन पटवारी जो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है उससे आप सहमत है? कौन सा जो कहते हैं कि पटवारी भ्रष्ट है घोषित रूप से ऐसी बात होती है उससे सहमत है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हाँ कुछ अधिकारी भ्रष्ट होते हैं और आपको देखते ही कि आए दिन निकलता रहता है, लेकिन आप सारे अधिकारी जो ईमानदार उन पर भी आप ठीक रखोगे? ठीक नहीं तो ईगो की लड़ाई पटवारी जी और जानबूझ के लड़ रहे हैं ताकि किसानों का काम ना हो, इसलिए हो रहा ना कर्ज मिले ना ठीक, उनका मुआवजा मिले ना सर्वे हो ना कुछ। आनंद जी जिस तरह के आरोप लग रहे हैं खासकर पेट्रोल डीजल को लेकर जो आपने वेट लगाया है, ये बात सच है कि वो बड़ा है, मतलब उसका परसेंटेज 5% होना बड़ी बात है और उसका असर सब जगह, आप खुद भी व्यापार हैं, व्यापार देखते हैं, व्यापारी भी हैं, तो क्या आपको लग रहा है ये सब चीज़ें आखिर कैसे हल होगी? क्या इसके लेकर सरकार कुछ कर सकती है आने वाले दिनों में, को देखने को मिलेगा? जैसे कमलनाथ जी आज मीटिंग भी करने वाले, बैठक भी करने वाले। देखिए हम करें तो पुण्य और आप करो तो पाप, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जी। किस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों पर शुल्क बढ़ाया गया, पहले कांग्रेस की सरकार में 4% के करीब था, पूरा 4 भी नहीं था, आज 12-15% मोदी सरकार ने टैक्स लगा दिया, तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हमारे मित्र कि हमारी सरकार ने क्या करा। सर बच्चन सुनिए, सुन लो आप जी। दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये भूल जाते हैं कि केंद्र में केंद्र की सरकार मध्य प्रदेश से किस तरह से, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों सरकारों से किस तरह से दोयम दर्जे का सौतेला व्यवहार कर रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें प्रदेश को चलाने के लिए, देश प्रदेश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगी, उसी के तारतम्य में ये ठीक है। इसके बाद भी हमारा कथन ये है कि हम जनता की हर दिक्कतों के साथ हैं, जिस तरह से आपने देखा पटवारियों की हड़ताल समाप्त हो गई, अभी गौरव जी ने बोला कि ट्रांसपोर्ट वालों की भी हड़ताल समाप्त हो गई। ट्रांसपोर्ट वालों को जो दिक्कत है मध्य प्रदेश में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, दूसरा अगर कोई रेट बढ़ता है उनको अगर वो पोसाता नहीं है तो निश्चित रूप से वो उनके रेट अपने आप ऊपर नीचे होते रहते हैं ट्रांसपोर्ट के, आपको ही पता मैं भी जानता हूँ कि महंगा भी होता है कम भी हो जाता है, तो ये निश्चित रूप से महंगाई की जहाँ तक बात है तो किस तरह से मोदी सरकार जब से हिंदुस्तान में आई है तब से मैं एक आइटम के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं दवाइयों के ही बारे में बात कर रहा हूँ कि दवाइयाँ साल में अगर 4 बार 4 लाट आते हैं तो हर बार 5%, 10%, 15% बढ़ के आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह के मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मोदी सरकार मतलब पूंजीपतियों की सरकार, गरीबों के संबंध में नहीं, लेकिन जो इस तरह के आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं, कांग्रेस आप तो बताइए ये बात कैसे बनने वाली? मध्य प्रदेश की बात में एक मेरे पास समय नहीं है, एक आनंद जी आज क्या कुछ इसमें जैसे पटवारी संघ की हड़ताल समाप्त हो गई, गौरव जी कह रहे हैं ट्रक एसोसिएशन की ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल की बात भी कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इनको कैसे संभाला जाएगा? देखिए हम चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो चाहे आम जनता हो, सबके हित में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार काम कर रही। कमलनाथ जी हमेशा लाइमलाइट में नहीं रहते, वो हमेशा काम में विश्वास रखते हैं, वो 11 बजे सुबह से लेकर रात में 11 बजे तक काम करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है, कांग्रेस का लक्ष्य है कि किस तरह से जो 15 साल से बिगड़ी हुई हालत है उसको सुधारें, और निश्चित रूप से इन सब बातों को, और आपने देखा होगा ये किस तरह से हमने आराम से इस बात को सुलझा लिया और बिना किसी भी प्रतिक्रिया क्रिया के उस बात को कर लिया, क्योंकि हमारे जो भी अब बस नौकर जी आप जनता की बात। मनोज भाई मैं कह रहा हूँ
आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सबको पता है कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा था तो अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा भी की थी पेट्रोलियम के पदार्थों को जो सीमित करेंगे, उनकी मूल्य वृद्धि को कम करेंगे। कम करने की जगह इन्होंने 10% उस पर बैठ चढ़ा दिया। शर्म आनी चाहिए आपने। चलिए मुझे लग रहा है आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, सत्यन जी और राजेश। अब मैं मुझे लग रहा है आपसे प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े। पर अच्छी खबर यह है इस वक्त की, पटवारी संघ की हड़ताल समाप्त हो गई है और उन्होंने सरकार से क्या बातें हुई ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। जैसा उपेंद्र सिंह ने कहा कि बातों को अपनी जगह रखिए, लेकिन किसानों के हित में, किसान जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, पटवारियों ने यह तय कर लिया मंत्री जी से बात करने के बाद कि हम अपनी हड़ताल समाप्त कर रहे हैं। इसी तरह यदि हम बात करें तो ट्रक ऑपरेटर्स की जो हड़ताल थी उस पर भी कुछ बात बनते नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं और कुछ बातें हुई है, लेकिन इनका सार यही है कि कम से कम बात कैसे बनेगी आज हमारा विषय था, पर अब बात बनते नजर आ रही। आगे चलकर क्या होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। कमलनाथ जी बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री है और समझते हैं कि कैसे तमाम सारे वर्गों को साथ लेकर चलना है, कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाना है। आज इस मुद्दे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।